विधानसभा के शीतकालीन सत्र के संबंध में निर्णयकारी सलाहकार समिति की बैठक में लिया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव राजेंद्र भागवत ने आज विभिन्न एजेंसियों को कोविड की पृष्ठभूमि पर सम्मेलन के लिए आवश्यक तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। विधानसभा भवन में सचिव राजेंद्र भागवत की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां की समीक्षा की गई। इस अवसर पर विधानसभा के उप सचिव विलास आठवले, विशेष परिचालन अधिकारी और जनसंपर्क अधिकारी नीलेश मदने, अध्यक्ष महेंद्र कास के सचिव, अवर सचिव रविंद्र जगदाले और मुख्य सुरक्षा अधिकारी महेश चिमटे उपस्थित थे। स्थानीय प्रणाली के बारे में जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे, नागपुर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष शीतल उगल तेली, नगर आयुक्त राधा कृष्ण बी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभस्कर, राजस्व उपायुक्त आशा पठान, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त बसवराज तेली, सारंग अवध, विनीता, स्वास्थ्य उप निदेशक डॉक्टर, इस अवसर पर संजय जायसवाल, जनार्दन भानुसे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य, बिजली, रेलवे आदि के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव राजेंद्र भागवत ने महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए किए जाने वाले प्रबंधों की समीक्षा की। अधिवेशन के संबंध में निर्णय कार्य सलाहकार समिति की बैठक में लिया जाएगा। हालांकि शीतकालीन सत्र की व्यवस्था हर साल की तरह ही रहेगी। कोविड की पृष्ठभूमि पर व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। मुंबई में आयोजित अधिवेशन के अनुसार विधान भवन परिसर में प्रवेश कोविड के RT-PCR परीक्षण के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि इन परीक्षणों के बड़े पैमाने पर उम्मीद की जाती है, इसलिए नियोजन उसी के अनुसार किया जाना चाहिए। विधान भवन, विधायक निवास, साथ ही साथ सभी भवनों में कीटाणु शोधन की प्रक्रिया शुरू करते हुए विधान भवन के प्रत्येक हॉल के बाहर एक सैनिटाइजर मशीन स्थापित की जानी चाहिए। भागवत ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा विधायिका के सदस्यों को दैनिक आधार पर मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की योजना बनाई जानी चाहिए। बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि पूरे भवन की पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखकर कीटाणु रहित किया जाए, क्योंकि विधायक के आवास पर कोविड केंद्र है। केवल मानद सदस्यों के साथ साथ आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों को विधान मंडल के सत्र तक पहुंच प्राप्त होगी। प्रवेश से पहले RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट साथ होनी चाहिए। जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ने बताया कि इन परीक्षणों के लिए 7 स्थानों पर व्यवस्था की गई है, जैसे विधायक का निवास, कर्मचारियों का आवास, रवि भवन आदि। विधायक के आवास विधान भवन में सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग द्वारा एक सुरक्षा ऑडिट किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा COVID-19 के बारे में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अधिवेशन पूरे दौर में जारी रहेगा, इसलिए भीड़ पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इस समय ऐसे सुझाव दिए गए थे। नागपुर नगर निगम क्षेत्र को पूर्ण स्वच्छता, पेयजल आदि प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार भी किए गए हैं कि कन्वेक्शन अवधि के दौरान बिजली की आपूर्ति बाधित न हो। शीतकालीन सत्र के लिए यह सुझाव दिया गया था कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को RT-PCR परीक्षण के बाद ही सेवा दी जानी चाहिए। नागपुर शीतकालीन सत्र के लिए जिला प्रशासन द्वारा योजनाएं बनाई गई है, साथ ही आवश्यक सामग्री विधायिका की मांग के अनुसार जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे को उपलब्ध कराई जाएगी। अवर सचिव रविंद्र जगदाले ने शीतकालीन सत्र की व्यवस्थाओं का अवलोकन प्रस्तुत किया। इनमें सुरक्षा व्यवस्था, आवास, लॉबी व्यवस्था, सामान्य व्यवस्था, टेलीफोन, बिजली की आपूर्ति, विधान भवन परिसर में वार्ताकारों के लिए व्यवस्था के साथ साथ 160 कमरे का हॉल भी शामिल है।